गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा में प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वेक्टर। आइए देखते हैं ये क्या है, प्रोजेक्शन क्या होता है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दो वेक्टर हमारे पास है और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये वेक्टर मान लेते हैं कुछ इस तरह से है। हमने मान लिया कि ये वेक्टर है ओ बी वेक्टर है, इसको हमने वेक्टर बी ऐसे भी नोट कर दिया। और एक दूसरा वेक्टर है, इसके बीच का एंगल यहां पर है थीटा, ये एंगल थीटा है। और ये वेक्टर जो है इसका ये है OA, इसको हमने वेक्टर A कह दिया। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि वेक्टर A की शैडो वेक्टर B पर कितनी लेंथ है, यही आपको हमें यहां पर प्रोजेक्शन कहलाता है। तो अब ये देखिए, दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट तो सेम है। अब इससे क्या करेंगे, अब बताने के लिए हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए के टर्मिनल पॉइंट्स। इनिशियल पॉइंट्स तो दोनों एक है और वेक्टर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर ऐसे करके। तो जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो मान लिया कि परपेंडिकुलर कहीं सी पर आया है, वेक्टर बी के सी पर है। तो अब देखिए, ये जो ओसी है, ये जो ओसी आप देख रहे हो ओसी, ये ओसी ट्रायंगल में ओसी जो लेंथ होगी यही है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कोई एक वेक्टर नहीं बल्कि ओसी एक लेंथ है। इसकी शैडो क्या है इस पर ये पता चलता है। तो ये बीच में एंगल यहां थीटा है, तो हमें यही ओसी बताना है, यही ओसी की लेंथ जो है प्रोजेक्शन कहलाती है। हाँ, अगर प्रोजेक्शन वेक्टर कहेगा तो यहां वेक्टर बनेगा, तब मामला दूसरा हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रोजेक्शन जो है, यहां पर प्रोजेक्शन एक स्केलर है और आप ये कह सकते हो कि ये लेंथ है। तो अब देखिए, अब जब इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहां हमें एक ट्रायंगल मिल गया, ओ सी ए ट्रायंगल है। अब ओ सी ए ट्रायंगल की साइड जो होगी, ये वेक्टर ओ ए जो है सी की साइड ओ ए होगी। तो इस ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नीट्यूड ही इस साइड की लेंथ होगी ओ ए। तो हम ओ ए निकाल सकते हैं, ओ ए कैसे निकालेंगे, जो ट्रायंगल की जो साइड है ओ ए, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर क्या है, वेक्टर तो ओ ए है, वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, या इसे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। यानी हम कह सकते हैं कि जो OA की लेंथ है वो मॉड ऑफ वेक्टर A, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यानी इसके वेक्टर का, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इस OA साइड की लेंथ हो गई। दूसरा चीज है कि अगर हमें एंगल पता है इसके बीच, तो हमने आपको बताया कि अगर दोनों के बीच एंगल पता है तो उसका कॉस थीटा जो होता है वो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये कुछ नहीं है, ये कहां से निकला है, ये डॉट प्रोडक्ट से ही निकला है। तो कॉस थीटा ये भी हम लोग को पता है। तो अब यहां पर आइए बात करते हैं, अब यहां देखते हैं हम एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा है, ओ सी ए की बात की है, ओ सी ए में। अब हमें देखिए ये ओ सी निकालना है, तो ओ सी अपॉन और ये हाइपरट्यूज हो गई और ओ ए, तो साइड का रेशियो यानी बेस ये हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो क्या होता है कॉस, और इस थीटा के रेस्पेक्ट की बात करें तो ये हो गया कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा आया, तो अब यहां पर देखिए ओसी हमें निकालना है, तो ओसी की जगह पर ओसी रहने देते हैं और ओए का, ओए तो हमने निकाला हुआ है यहां पर, ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये हो गया कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ओसी है यही, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया तो ये आ गया कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो प्रोजेक्शन की जो, ये जो प्रोजेक्शन निकला ओसी,
ओसी जो आया है ये किसमें आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है यहाँ पर, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं कॉस थीटा की, ओसी और यहाँ पर इस कॉस थीटा की वैल्यू वेक्टर ए उसके बाद डॉट वेक्टर बी और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखें तो ये कट गया, इसे ये कट गया यानी ओसी जो है ओसी मिल गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये निकला। तो एक मिनट दिख रहा है नीचे आपको, हाँ इस तरह से तो प्रोजेक्शन पता चल गया ओसी। देखिए प्रोजेक्शन जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, आप याद रखिएगा ये एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। अगर 90 डिग्री होगा तो प्रोजेक्शन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इतना आप याद रखिएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल चुका है। तो अगर हम कहेंगे कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन, तब ये फॉर्मूला ये आएगा। तो ये कहां से निकला है इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम यहां फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ए ऑन बी या बी ऑन ए प्रोजेक्शन दोनों पूछता है, तो आप यहां तक कॉपी कीजिए उसके बाद यहां फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर देखिए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इसके दो फॉर्मूला है, एक तो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ये तो हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखिए ऑन बी कहेगा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर, तो ऑन तो बी या नीचे लिखा जाएगा, इसी का एक फॉर्मूला और भी ऐसे पूछा जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, अगर ये कहेगा तो ये मैग्नीट्यूड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से डिवाइड करेंगे तो प्रोजेक्शन ऑन बी निकलेगा। अगर प्रोजेक्शन ऑन ए कहेगा तो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर के वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो प्रोजेक्शन ऑन ए निकलेगा। तो ये दो फॉर्मूला आप याद रखिए, इसी पर एक्सरसाइज बना करा लेंगे।